पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं भाई, ये वाला जो एंटीना है ये ओरिजिनल एंटीना है, सही है। ये फिर एक हफ्ते से तकरीबन खड़ी हुई है। अभी बिस्मिल्लाह करके पहला मार लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो भाई ये बड़े वाले एंटीना में जो है बहुत सारे मसले आ रहे हैं, सही है। ये वाला एंटीना जो इधर आके फंस रहा है, देखो सुराख देखो, और ये देखो माशाल्लाह गाड़ी VIP लुक दे रही है आगे से ही। बस यार एक और काम है गाड़ी का जो इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ करने का, आप लोग बताए। तो भाई ये पुराना वाला जो है ये आराम से बढ़िया था, ये पुराना वाला अभी भी लगाया तो बिल्कुल फिक्स आ गया ये। लेकिन लोग बनवा रहे हैं स्टीकर यहाँ से यूट्यूब वाला, तो ये यूट्यूब वाला स्टीकर बन रहा है। Assalamualaikum, welcome back to another video, another vlog। तो यार जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यार ऑटो शो से पहले जो है गाड़ी के अंदर एंटीना लगाया था, पावर एंटीना लगाया था। उससे पहले भी लगा हुआ था लेकिन हम लोगों ने निकाल के पावर एंटीना लगा दिया था। वो वाला व्लॉग आप लोग देख लो भी जाके, पहले डाल लो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रहा हूँ, वाला व्लॉग देख लो। सही है भाई, हम लोगों ने गाड़ी के अंदर जो पावर एंटीना लगाया था उसके साथ एक सीन हो चुका है, छोटा सा सीन हुआ है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, गाड़ी के ऊपर चल के दिखाता हूँ, ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। पहले गाड़ी के ऊपर चलते हैं और फिर दिखाते हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि यार वो जो पहले जो एंटीना लगा था, वाला एंटीना निकाल के हम लोगों ने दूसरा एंटीना निकाला था, उसके साथ सीन हुआ है। अभी चलते पहले गाड़ी की तरफ, फिर गाड़ी पे आपको सब कुछ दिखाते हैं क्या सीन है और क्या सीन नहीं है। तो भाई गाड़ी के पास जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं भाई, ये वाला जो एंटीना है ये ओरिजिनल एंटीना है, सही है। ये सिर्फ 2000 के अंदर लगता है कि ओरिजिनल एंटीना ही, देखो सही है। ये कभी किसी गाड़ी के अंदर यूज़ भी नहीं हुआ, बस ये थोड़ा कलर अलग ख़राब हुआ भाई, क्योंकि ये पुराने लगे, लेकिन ये नया बिल्कुल न्यू एंटीना है और ये ताइवान वाला एंटीना है, सही है। और ये वाला जो है ये दूसरा एंटीना है जो अक्सर गाड़ियों में लगता है, ये हल्का है, सही है। देखो ये हल्का वाला है, सही है, और ये खुला हुआ है। अभी आपको इसकी भी कहानी बताता हूँ। पहले मैंने बोला यार गाड़ी के पास जाने से पहले आप लोगों को दोनों चीज़ें दिखा दूँ, अब मेरा मूड ये वाला लगाने का है, सही है। ये वाला जो है अच्छा वाला एंटीना, ये वाला गाड़ी के अंदर पहले लगा हुआ था, ये EG95 में भी लगता है 2000 में, सब गाड़ियों में लग जाता है। खैर सारे एंटीना सब गाड़ियों में लग जाते हैं, लेकिन ये वाला जो अच्छा वाला एंटीना है, और ये वाला ज़्यादा ऊपर भी जाता है गाड़ी का, और ये वाला नॉर्मल जाता है, जितना आम गाड़ी में उतना होता है, लेकिन ये वाला और ज़्यादा ऊपर जाता है क्योंकि ये सिर्फ 2000 का ओरिजिनल है। तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, चलते हैं फिर आपको गाड़ी के ऊपर सारा सीन बताता हूँ, क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो अभी गाड़ी के पास चलते हैं, इन दोनों को उठाते हैं और गाड़ी के इन दोनों को भी लेके चलते हैं, और फिर वहाँ जाके डिस्कस करते हैं और बताते हैं आपको फिर। हाँ तो भाई माशाल्लाह गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, सही है। अब मैं गाड़ी का आप लोगों को सीन बताता हूँ कि गाड़ी के साथ क्या सीन हुआ है। भाई इधर जो लगा हुआ था पहले, दूसरा वाला एंटीना लगा हुआ था ब्लैक वाला, जो छोटा पहले ऑटो शो से पहले लगवाया था, क्योंकि ये 96 का मॉडल है तो उसके अंदर सुराख वगैरह आता नहीं है, तो ये सुराख किया हुआ था। और जो 96 का अपना जो एंटीना, उसका सुराख जो है थोड़ा सा छोटा, उसका जो वो होता है डंडा होता है ना, वो थोड़ा सा छोटा होता है, सही है। ये देखो अभी उसके अंदर ये वाला हम लोगों ने तो फिक्स कर दिया था, ये आ गया था, लेकिन उसके बाद जो हम लोग दूसरा वाला एंटीना लगा रहे हैं वो आ रहा है, तो लेकिन वो इधर आके फंस रहा है, इधर से बाहर नहीं आ पा रहा, इस वजह से जो है अब उसका हल निकालना है यहाँ से। या तो सुराख बड़ा होगा या तो फिर कोई सीन होगा, अभी उसका हल निकलवाने हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने लगाने की कोशिश करी थी लेकिन जो है उसका कलर फटना शुरू हो गया था, नया वाला एंटीना जो लगाने की कोशिश करी थी लेकिन उसका देखो ये कलर फटना शुरू हो गया था, इस वजह से हम लोगों ने वो शार्ट नहीं बने भाई, खुद ही जाके उससे काम करवा लें। बस अभी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, इंशाल्लाह बस निकलने की करते हैं और फिर आप लोगों से वहीं पर जाके मिलते हैं और एंटीना वाले के पास, फिर वहाँ से काम वाम करवाते हैं। ये मुदम्मिल भाई दोनों एंटीना लेके आ गए, तो ये बस अभी इंशाल्लाह वहाँ जाते हैं, फिर आपसे वहाँ से मिलते हैं। चलो भाई अभी गाड़ी का पहला सेल्फ मार लेते हैं, सही है। एक हफ्ते से तकरीबन खड़ी हुई है, अभी बिस्मिल्लाह करके पहला मार लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये ग्रीन लाइट बंद हो गई। बिस्मिल्लाह। चलो भाई फर्स्ट सेल्फ में अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है, बस अब थोड़ी गाड़ी वाली गर्म कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद निकलने वाली करते हैं, क्योंकि मगरिब भी होने वाली है, मगरिब से पहले पहले ही काम करवाना है अगर हो सके तो। बस अभी थोड़ी सी गर्म होती है, RPM थोड़ा सा ऊपर आते तो फिर इंशाल्लाह निकलते हैं यहाँ से। वाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल चुके हैं, सही है यार। यहाँ पर तो एक तो मसला भी यही है यार, खड्डे वड्डे यहाँ पर इतने आ जाते हैं ना लो गाड़ी, तो मसला होता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हम लोग, बस अब जा रहे हैं वहाँ पे, सही है। वहाँ का देखते हैं कि रश वश तो नहीं, क्योंकि यार रश वश होगा तो फिर सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, इस वजह से बस जाएं और काम करवा के फिर वापसी। बस मैं और मुदम्मिल भाई साथ जा रहे हैं, अब बस यहाँ से जाते हैं अब इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से वहीं पर ही मिलते हैं। और यार ये मीटर की भी मॉडिफिकेशन करवानी है थोड़ी बहुत, क्योंकि मीटर भी जो है अच्छा लगे, ताकि मतलब लुक वो ये आ गया। यार ये खड्डे जो है ना ये बड़ा दुख देते जब लगती है ना गाड़ी अंदर। बस अभी यार एक और खड्डा आ गया आगे, देखो भाई ये रहा एक खड्डा, ये रहा। अभी मैं तो सोच रहा हूँ भाई जब कैम्बर एम्बर कर दूंगा, डेड ड्रॉप कर दूंगा, जब कैसे निकालूंगा गाड़ी। अभी देख रहे हो खड्डे, और स्टेयरिंग को भाई थोड़ा इग्नोर कर देना, थोड़ा सा टेढ़ा है, इसकी भी इंशाल्लाह सेटिंग हो जाएगी पूरी। बस अभी पहुँचते हैं
फिर आपसे मिलते हैं। हाँ तो भाई अभी माशाल्लाह से गाड़ी खड़ी कर दी है स्पीड ऑटो स्टोर पे, अब यहाँ से इंशाल्लाह काम वगैरह करवा रहे हैं। मुजम्मिल भाई देख रहे हैं ज़रा काम वगैरह, तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। सही है, मगरिब होने वाली है, ये हम थोड़ा लेट उठे हैं और लेट पहुँचे यहाँ पे। अब देखते हैं सुराख, वो बोल रहे हैं भाई सुराख बड़ा कर देते हैं, यहाँ से सुराख बड़ा करते हैं तो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यार कलर भी उतरेगा बड़ा, एंटीना लगाने के लिए सुराख बड़ा करना पड़ेगा, फिर ये कलर भी उतरेगा। तो अभी देखते हैं क्या डिसाइड होता है, फिर इंशाल्लाह अगर बड़ा नहीं लगाते तो फिर वही वाला दोबारा लगा लेंगे, कोई मसले वाली इतनी बड़ी बात नहीं है। बस इंशाल्लाह अभी बस ये है कि मसला हल हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। बस अभी वेट करते हैं यहाँ पे भाई, तरह बर्मा वगैरह मंगवा रहे हैं तो अभी वेट करते हैं, इंशाल्लाह फिर लगेगा सारा सीन पार्ट होगा तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। तो भाई वो बड़े वाले एंटीना में जो है बहुत सारे मसले आ रहे हैं। सही है, ये वाला एंटीना जो इधर आके फंस रहा है, देखो सुराख देखो, और ये देखो आ नहीं पा रहा बाहर से, इस वजह से जो ये वाला नहीं लगवा रहा अभी हम लोग। सही, हम लोगों ने डिसाइड ये कि यार वही वाला लगवा लेंगे अभी, इसको वापसी अंदर रख देते हैं, ये अगर किसी भाई को चाहिए होगा तो उनको दे देंगे ये। सही, इसको रख देते साइड के अंदर। सही, अब जो क्योंकि सुराख से यार मसला हो रहा है, कलर उतर रहा है तो फ़ायदा नहीं है फिर करवाने का, इस वजह से तो वो जो अंदर एक एंटीना वाला है वो चेक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं वाला एंटीना, क्योंकि वो खुला हुआ था, खुल गया था लेकिन बंद नहीं हो रहा था हमसे। अब वो बंद करके लाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, वो दुकान के अंदर बंद कर रहे हैं। अब वाला अंदर रख दिया, किसी भाई को चाहिए हो इंशाल्लाह ये वाला मिल जाएगा एंटीना, ये पड़ा हुआ है। सही, बस अब वही वाला लगवाते हैं, वही वाली लुक आएगी वापसी। लेकिन यार वो भी लुक सही है, वो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं बस, ये थोड़ा सा नीचे होता है, बस ये फ़र्क है दोनों के अंदर, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। और डिग्गी को जो इग्नोर कर देना, क्योंकि डिग्गी की भी आगे इंशाल्लाह पूरे कारपेट वारपेट हर चीज़ वीआईपी करके लगवानी है, अभी तो ऐसी पड़ी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके जो लगवाना है इसका भी सारा सीन पार्ट सिस्टम विस्टम करना है बेहतरीन करके, इसको सेट वेट करना है, लाइटें वाइटें लगानी है अंदर, G19 बनाना है, उसके बाद जो है बस ये एंटीना का मसला हल करवा के फिर निकलने वाली करते हैं। हाँ तो बॉयस माशाल्लाह गाड़ी वीआईपी लुक दे रही है आगे से। बस यार एक और काम है गाड़ी का जो इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ करने का, आप लोग बताए कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यार गाड़ी की जो है बॉडी किट अजीब सी लगती है आगे से टूटी हुई, तो अभी जो है थोड़ा पैसे वैसे ख़त्म हो गए, इस वजह से आप लोग बताओ कि यहाँ पर कोई वैरायटी माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। यहाँ पर एल्फी डाल के कोई स्टिकर लगा दें ताकि ये अच्छा लुक दे, और तो ये अभी भी सही लगती है, लेकिन फिर भी यार एक जो लाइन नज़र आ रही होती है ना वाइट कलर की, अजीब लगती है। इस वजह से बोल रहा हूँ कि इसके अंदर कोई वैरायटी माननी चाहिए, आप लोग बताएं कि क्या वैरायटी माननी चाहिए इसके अंदर। मैं सोच रहा हूँ कि यार इसके अंदर कोई स्टिकर लगा के इसको बंद कर दिया जाए, एक तरीके से अच्छा लुक आ जाएगा सामने से। बाकी आप लोग बताएं कि क्या करना चाहिए, गाड़ी माशाल्लाह बेहतरीन लुक दे रही है, साफ़ सुथरी है, बस इंशाल्लाह इसको भी एक बार फुल वीआईपी सर्विस करवा देंगे तो और वीआईपी हो जाएगी ये, पॉलिश खुद ही कर देंगे घर के अंदर ही। बाकी आप लोग बताएं कमेंट करके कि बॉडी कट का क्या करना चाहिए, वैरायटी माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, उसके अलावा स्पून मिरर लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, कि कैसा लुक देंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, अब स्पून मिरर का माइंड तो बन रहा है लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि ब्लैक लगाऊं या नाडो गिरे कलर में ही लगाऊं। आप बाकी आप लोग बताएं कि नाडो करवाने चाहिए या ब्लैक करवाने चाहिए। तो भाई ये पुराना वाला जो है ये आराम से बैठ जाता है, ये पुराना वाला अभी भी लगाया तो बिल्कुल फिक्स आ गया ये, लेकिन नया वाला जो है वो थोड़ा मसले वसाइल कर रहा था तो अभी पुराना वाला वापसी लगवा रहे हैं, लग गया है तकरीबन, बस की वायरिंग होगी फिर इंशाल्लाह इसके बाद ये भी सेट हो जाएगा, फिर आपको ये चला के भी दिखा देंगे कैसा लगता है। लगता है तो वैसे कि ऐसे पहले लगा रहा था, लेकिन अभी दोबारा एक बार चला के दिखाएंगे आपको आज। ये बस लग चुका है, ये उसी फिटिंग में आ गया है, इसका कलर वलर बस जो है उतारने का कोई डर नहीं है, वो नए वाले में कलर वगैरह उतारने का भी डर था कि कलर वगैरह उतर जाएगा दोबारा करवाना पड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन फिटिंग आ गई है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह फिटिंग डन हो चुकी है, सही है, बेहतरीन खुल रहा है, अब सीधा हो गया बिल्कुल, ये देखो वीआईपी हो गया माशाल्लाह। सही है, अभी बस थोड़ा सा पीछे होगा फिर उसके बाद इसकी सेटिंग हो जाएगी, ये यहाँ से थोड़ा सा उस साइड हो जाएगा, ये पूरी सेटिंग इसकी डन हो गई है माशाल्लाह, वीआईपी लग रहा है अब। सही है, वो वाला बस इससे थोड़ा सा और ऊपर जाता है, लेकिन ये वाला जो इतना ही आ रहा है, बस कोई बात नहीं, इतनी बड़ा मसले वाली बात नहीं, बस अब इसकी डन हो गई है, बस अब इसके अंदर से फिटिंग हो रही है, फिर इंशाल्लाह देखते हैं फुल बंद करके क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अभी अंदर वाली फिटिंग हो रही है, बाहर वाली पूरी हो चुकी है। तो भाई और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से भी फिटिंग हो गई है, अंदर से भी फिटिंग हो गई है। चल यार खोल यार, तो अभी खोल के दिखाते हैं आपको, ये देखो भाई ये खुल गया है, बस बंद कर दे बंद कर दे। और ये बंद हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, ओके हो गया। अब तो ये वीआईपी फिटिंग हो गई है, पुराना वाला ही लगाया अभी इसके अंदर, नया वाला नहीं लगाया क्योंकि नया वाला मसला कर रहा था। हाँ तो भाई और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम वाम डन हो चुका है, वो लगवा लिया है एंटीना वगैरह लगवा लिया है। सही है, अभी मगरिब वगैरह भी हो चुकी है, फिर अभी आपको घर जाके दिखाता हूँ क्या सीन है, सारा सीन दिखाता हूँ अभी आपको। वैसे मैंने आपको एंटीना लगाने का सारा सीन दिखा दिया, प्रोसीजर वगैरह दिखा दिए, जिसकी गाड़ी की वायरिंग वगैरह हुई भी है उसके लिए आसान है, जिसकी नहीं हुई भी उसके लिए भी आसान है, लेकिन बस थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस निकलने घर की तरफ,
तो फिर आपसे वहीं जाके मिलते हैं और आपको सारे सीन दिखाते हैं इंशाल्लाह। आगे जो है गेजेस वगैरह भी मैंने साकिब भाई को बोल दिया, अभी यहाँ पे गेजेस वगैरह लगवाने का बोला है, तो वो बोल रहे हैं कि कल या परसों इंशाल्लाह आएंगे तो आपको बताता हूँ। फिर जो है मैं आप लोगों से एक और बात बोला था, जो आप लोगों को वैरायटी का बोला था मैं लगाने का बॉडी किट की, तो आप लोगों को बताएं ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसा लगेगा या नई बॉडी किट लगाना चाहिए, अब आप लोगों के ऊपर है, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी सीन डन कर देंगे। हाँ तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी खड़ी कर दी अपनी जगह पे जहाँ खड़ी करते हैं सही। अभी एक सीन ये करना है यार, इसका जो है सिद्दीकी वाला लोगो लेके आना है यहाँ पे, जो लगा हुआ था सिद्दीकी वाला लोगो उसका यूट्यूब का लोगो लेके आना है वो लगाना है। उसके अलावा मैं आप लोगों को पीछे से दिखाता हूँ इसका एंटीना का क्या लुक आ रही है, माशाल्लाह बेहतरीन लुक आ रही है एंटीना के साथ सही है। ये एंटीना का भी काम डन हो गया, वो लेके आना है बस, एक सिद्दीकी वाला लोगो लेके आना है और जो बॉडी किट की जो वैरायटी थी वो मारनी है इसके अंदर, ये वाली बॉडी किट की वाली वैरायटी जो इसको मारना है भी इंशाल्लाह। दो काम रहेगा भी इंशाल्लाह वो डन करते हैं फिर ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि पहले दो काम डन कर लें इसके जो दो काम थे वो वाले। हाँ तो भाई अभी जो है हम लोग जा रहे हैं ज़रा गाड़ी के स्टिकर वगैरह बनवाने के लिए जा रहे हैं, ये तो इसका इस वो लेना है लाल पट्टा इसका लेना है, और दूसरा जो है सिद्दीकी का जो यूट्यूब का जो लोगो है वो लेंगे बनवाएंगे यहाँ पे लगाने के लिए सही है, क्योंकि ये उड़ चुका है। तो अभी ये दो काम है इंशाल्लाह, बस निकलते हैं और फटाफट आने वाली करते हैं, लेके आएंगे यूट्यूब का लोगो और एक लाल पट्टी यहाँ के लिए, बस अल्लाह करे यहाँ की लाल पट्टी मिल जाए क्योंकि स्टिकर वाले नखरे दिखाते हैं। तो अभी बस अभी लेने चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं वहीं पर ही। हाँ तो भाई अभी जो हम लोग बनवा रहे हैं स्टिकर यहाँ से यूट्यूब वाला, तो ये यूट्यूब वाला स्टिकर बन रहा है, फिर इंशाल्लाह ये बन जाए तो फिर आपको दिखाता हूँ ये कैसा बन रहा है, बनने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो भाइयों ये जो आपका भाई रात में बनवा के ले आया था सही है, अभी जो इसको लगाना है गाड़ी के ऊपर, अभी चलते हैं गाड़ी के ऊपर, आपने जो कपड़ा वगैरह डाल दिया था लेकिन अब जाके ये लगाते हैं गाड़ी के ऊपर सही है, कपड़ा वपड़ा उतार के ये लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। भाई अभी जो है गाड़ी का कपड़ा वगैरह उतार लेते हैं क्योंकि हाथ में चढ़ा दिया था वरना मट्टी वट्टी जम जाती इसके ऊपर, अभी इसके कपड़ा वगैरह उतार के इसका पहले यूट्यूब का लोगो लगाते पीछे वाला फिर आगे वाला काम करते हैं। भाई पहले जो ये वाला काम कर लेते हैं क्योंकि ये वाला जो ये टूटा हुआ है सही, इसको पहले सीधा करके इसके ऊपर एल्फी डाल देते थोड़ी सी ताकि ये चिपक जाए, फिर इसके ऊपर जो है स्टिकर लगा देंगे ताकि ये लखड़ एकदम पत्थर एकदम काम हो जाए सही। अभी इसको पहले एल्फी वगैरह लगाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार अभी जो है इसको एल्फी वगैरह डाल दिए सही, ये चिपक चुका है, अब इसके ऊपर लगाएंगे स्टिकर, इसको थोड़ा सा पकड़ के रखता हूँ ताकि थोड़ा सा सूख जाए, इसके ऊपर फिर लगाते हैं स्टिकर। एक हाथ से वीडियो बना रहा है एक हाथ से काम कर रहा हूँ, सही हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ स्टिकर लगाते हुए। भाई अभी जो यहाँ पे एल्फी डाल दिए सही है, जब तक इतनी देर में सूख रहा है जब तक कि पीछे वाला वो लगवा ले लगा देते यूट्यूब का जो लोगो था, पूरा कपड़ा नहीं उतारे थोड़ा सा उतारे क्योंकि बस अंदर ही आना है लोगो वो लगा के, ये अभी यहाँ से भी आधे से थोड़ा सा उतारा, अभी यहाँ से पीछे से भी थोड़ा सा उतारते हैं इसका लोगो लगाते हैं यूट्यूब वाला, नाम वाम लगा बस यूट्यूब का लोगो लगाना है उसमें, ये यूट्यूब का लोगो आ गया, सारी सेटिंग वेटिंग हुई बस इसकी, नाम वाम सब लगा बस, ये जो एक गलती से उड़ गया था ये पता नहीं कैसे निकल गया था, तो ये भी आ गया ये रहा यूट्यूब का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा नीचे आएगा सही है भाई सेंटर में, चलो भाई ये भी डन हो गया भाई। यूट्यूब पे सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, ये थोड़ा सा उतरने में मसला करेगा क्योंकि टेप जो पुराना है, थोड़ी देर छोड़ दो, छोड़ने वाला काम नहीं है, हो जाएगा हाथों हाथ करेंगे जो भी होगा इसको हाथों हाथ ही उतारेंगे। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक काम डन हो चुका है सही है, बस अब आगे वाला रह गया, आगे वाला मसला हल करते वो सूख गया होगा, बस अब इसकी जगह पे लाल जो है पट्टी लगाते हैं, ये भी सूख गया है तकरीबन ही, बस इसकी जगह लाल पट्टी लगाते फिर ये भी ऑल ओके हो जाएगा। चलो भाई इसकी वैरायटी तो हमने मार दी, अब आप लोगों को बताना है कि कमेंट करके कैसी लग रही है, सही लग रही है या नहीं लग रही, यूट्यूब का लोगो भी लग चुका है, ये वाली वैरायटी भी हो चुकी है, अब ये रात में पता चलेगा कि कैसी लगती है, मुझे तो लग रहा है कि सही लग रही है, बस अब इसको रात में देखेंगे इंशाल्लाह कि क्या लगता है क्या नहीं लगता। तो बस आज की वीडियो को करते यहीं पर ही एंड, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से लाइक करना कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये देखो भाई यहाँ से भी आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो बस भाई अब बताओ कैसी लग रही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।